तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गोदरेज जैसे कंपनी को हाल ही में डीआरडीओ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा 48 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाने वाले ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोडक्शन को लेके अनुमति दिया गया है, जिसके बाद गोदरेज एरोस्पेस के तरफ से अब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए करीबन 5 से 6 ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोटोटाइपों का निर्माण का काम किया जा रहा है, जो की आने वाले समय में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा। दोस्तों ड्राई कावेरी इंजनों के ऑर्डर हासिल करना गोदरेज एरोस्पेस के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बात था। और दोस्तों इस तरीके के ऑर्डर हासिल करने के बाद अब गोदरेज एरोस्पेस के सामने और एक ऑर्डर आ चुका है, जो गोदरेज एरोस्पेस के रेपुटेशन को और बढ़ाएगा। दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि भारत के द्वारा ही निर्माण किया हुआ एक इंजन है, जो एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के बेहतरीन लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों में किया जाएगा। मैं यहाँ पे 4.4 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाने वाले स्मॉल टर्बोफेन इंजन का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक गोदरेज एरोस्पेस के तरफ से स्मॉल टर्बोफेन इंजनों को प्रोड्यूस करने को के ऑर्डर का उपेक्षा किया जा रहा है। दोस्तों ये जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, ये असल में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही बनाया गया है, और ये इंडिया के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा, जो कि 1,500 किलोमीटर दूर तक मार कर पाने वाले एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोजेक्ट है। और फिलहाल एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इसका डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। हाल ही में ही स्मॉल टर्बोफैन इंजन के द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया गया था, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी था। अब दोस्तों गोदरेज एरोस्पेस को अगर देखा जाए तो ये अब तक भारत के डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले या फिर एरोस्पेस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कई सारे इक्विपमेंट और उसके पार्ट्स को बना चुका है, पर एरो इंजन के सेक्टर में गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ये पहली बार काम किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि अगर गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा ही कावेरी ड्राई इंजनों के निर्माण का काम को किया जा रहा है, तो गोदरेज एरोस्पेस को ही स्मॉल टर्बोफैन इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में लाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तरीके से रिसोर्स का भी बेहतरीन इस्तेमाल होगा और गोदरेज एरोस्पेस ड्राई कावेरी इंजनों के मैन्युफैक्चर के एक्सपीरियंस को स्मॉल टर्बोफैन इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों स्मॉल टर्बोफैन इंजनों को अगर देखा जाए तो ये असल में एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट गैस टर्बाइन इंजन है, जिसे कि कम फ्यूल में हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों इन इंजनों के जिन क्षमताओं का जिक्र अब तक किया जा चुका है, उसके मुताबिक ये 2 स्टेज टर्बोफैन इंजन है, जिसमें 1 स्टेज शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो की कंप्रेसर और फैन दोनों को ही रन करता है। इसके बाईपास रेशियो 0.3:1 है, जिसका मतलब यह है की इंजन के अंदर एयर इनटेक के द्वारा प्रवेश करने वाले 70% एयर को कम्बस्टन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि 30% जो एयर बचता है वो बाईपास होता है, जिससे कि इंजन एडिशनल थ्रस्ट जनरेट कर सके। दोस्तों इस इंजन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये मैक्सिमम 450 किलोग्राम फोर्स जनरेट कर सके, जो करीब करीब 990 पाउंड फोर्स होता है। इसे आप अगर किलोन्यूटन में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 4.4 किलोन्यूटन तक होता है। दोस्तों इस तरीके के इंजन के द्वारा भारत अपने जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम है, उसे ही खाली आगे नहीं बढ़ा सकेगा, बल्कि आने वाले समय में और भी कई तरीके के लॉन्ग रेंज मिसाइलों को बना सकेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो निर्भय मिसाइल, जो भारत के सबसे लंबे दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, उसे रशियन इंजन के साथ ही बनाया गया है, जो कि करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों का काम भारत कर रहा है, ये असल में निर्भय मिसाइल के ही एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, और ये उससे भी अधिक दूर तक मतलब करीबन 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकेगा। और इस तरीके के मिसाइल का आवश्यकता भारत को इसीलिए भी है क्योंकि चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे देशों के पास लंबे दूरी तक मतलब 1,500 से 2,000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को मार गिराने के लिए क्रूज मिसाइल है, और भारत के पास अपने खुद के स्वदेशी ऐसा मिसाइल नहीं है। दोस्तों लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और सबसोनिक मिसाइलों का आवश्यकता भारत को इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के मिसाइल कम खर्चे में बन जाता है और दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। मतलब इंडियन नेवी के वॉरशिप से शुरू करके इंडियन एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के सबमरीन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन ये काफी खर्चीलो मिसाइल है और 1000 किलोमीटर दूर तक अगर ब्रह्मोस जा भी सकता है, तब भी हर एक टारगेट के खिलाफ ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। जहाँ पे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत है और सबसोनिक मिसाइल काम नहीं कर सकता है, वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ पे अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जाता है तो ये पैसे का एक तरीके से बर्बादी ही होगा। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुपरसोनिक मिसाइल होने के कारण इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो काफी महंगा भी है और काफी फ्यूल को भी बर्न करता है, जिस कारण ब्रह्मोस मिसाइल काफी भारी भी होता है और हर तरीके के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए भी भारत को सबसोनिक लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइलों का आवश्यकता था, जबकि भारत को लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिसाइल और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का भी आवश्यकता है, और इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने खुद के स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट जरूरी था और स्मॉल टर्बोफैन इंजन के तहत भारत के द्वारा इस काम को सबसे पहले अंजाम दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे गोदरेज एरोस्पेस को अगर स्मॉल टर्बोफैन इंजन के प्रोग्राम में जोड़ा जाता है तो ये गोदरेज एरोस्पेस के लिए ही एक बड़ा खबर नहीं होगा बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक बड़ा खबर होगा, क्योंकि इससे भारत की इंडिजीनियस क्षमता बढ़ेगा और भारत के प्राइवेट कंपनी जैसे गोदरेज कंपनी आने वाले समय में भारत के अन्य प्रोजेक्टों में या फिर कहे तो अन्य डिफेंस प्रोजेक्टों में मदद कर सकेगा।